ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कैसीनो मामले में पुलिस 13 दिन बाद भी रिजॉर्ट संचालक को नहीं पकड़ पाई, जबकि 2 दिन पहले ही एसएसपी पौड़ी श्वेता ने जिले में कई थाना इंचार्ज जन को इधर से उधर किया है, जिसमें लक्ष्मण झूला थाने के प्रभारी निरीक्षक को भी हटा दिया है। वहीं पुलिस मामले में जांच की बात की जा रही है। बता दें कि लक्ष्मण झूला थाना के अंतर्गत नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में 21 सितम्बर की रात पुलिस ने अवैध कैसीनो के संचालन में 32 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मामला काफी सुर्खियों में बना रहा। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद रिजॉर्ट संचालक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने ऋषिकेश स्थित संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं पाई। रिजॉर्ट संचालक पुलिस की धरपकड़ से अभी भी कोसों दूर है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में जो है पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए जो अवैध रूप से कैसीनो संचालित किया जा रहा था एक रिजॉर्ट के अंदर, उसे पकड़ा गया था और उसमें 33 लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। इसमें अन्य जो अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है और हमारी टीम्स भी जो हैं कुछ बाहर भी गई हैं दिल्ली की तरफ भी, तो उसमें भी जाँच कार्रवाई जारी।